नवनीत बहल, प्रोड्यूसर कबीर लवी. Can we have some huge round of applause? Come on. Let's hear that louder. Beautiful, gorgeous actress Kirti Kulhari. Okay, at least now we need to have some huge round of applause. Come on. And definitely the man of the moment, Mr. K.K. Menon himself. Request everybody to please take seats. You many questions, but you know, just a few thoughts about this movie. You guys have been the most integral part of this movie. How was it? What was it? Why did this happen? And everything, whatever that comes to your mind for our audience and for the media. I hand over to you. All right, let's start with Mr. Behel. With the director, yeah. Can we, yes, a little closer, yes. हम लोगों ने मूवी एक थ्रिलर बनाई है जो अल्टीमेटली इट्स अ पैराबल अबाउट द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन इटसेल्फ. मोबाइल फोन सिर्फ एक बात करने का औजार नहीं है, एक एक डेमोक्रेसी के अंदर खुल के एक दूसरे से आइडियाज शेयर करने का एक यंत्र आप लोगों के पास है आज. ये यंत्र हमारे पास लगता है कि बहुत आसानी से जेब में पड़ा हुआ है, मगर इसको लाने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी लड़ाइयाँ की गई होंगी, क्योंकि कभी भी किसी के पास कोई भी चीज़ जब मिल जाती है हमारे वी टेक फॉर ग्रांटेड. इट इज़ नॉट ईजी टू जस्ट हैव दैट अवेलेबल टू अस इन टुडेज़ टाइम विदाउट अ फाइट दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट. दिस फिल्म इज एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ टेक आर टेक ऑन दिस काइंड ऑफ अ फिक्टिशियस आइडिया कि अगर विद इन एन इमरजेंसी ये स्पेस हम बिल्ड करें तो हाउ वुड दैट थ्रिलर प्ले आउट, जिसमें एक आने वाले युग का बात करने का औजार, जब उस जमाने में जब बात करना मना किया गया था, कैसे प्ले आउट करेगा. दैट वाज द आइडिया ऑन व्हिच वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम अदर एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू बिल्ड आउट हियर. सो आई होप यू गाइस एंजॉय द फिल्म इन व्हेन यू व्हेन इट कम्स आउट ऑन फर्स्ट जुलाई एंड यू वॉच इट. प्रोमो आप लोगों ने देखा ही है. हां जी, सम फ्यू वर्ड्स विद नवनीत सर. बहुत संजीदा है यार, आप लोग खुल जाइएगा, बात करने का हक है वैसे तो. सॉरी अबाउट दैट ब्लू लिटिल थिंग विच केम इन द ट्रेलर, जस्ट अ कॉल ड्रॉप. ओके, टेक्नोलॉजी स्टिल कंट्रोलिंग है मोबाइल फोन पे, क्या करें. खैर, एक तो नॉर्मल जो फिल्म गोअर्स हैं उनके लिए एक बहुत मज़ेदार थ्रिलर है ये, और जो सोचने वाले होते हैं, जो जो आम तौर पे अपने दिमाग को घर पे नहीं रखते हैं फिल्म देखते समय, चेक चेक, उनके लिए कुछ और चीज़ें भी हैं इसके अंदर. अलग अलग स्तर पे आप उसको खोज सकते हो, चाहे वो सिस्टम का तरीका हो, चाहे वो कंट्रोल का तरीका हो. ज़्यादा नहीं कहूँगा, इशारा ही काफ़ी है. तो जी हाँ, तो इसलिए मुझे ये फिल्म बेहद पसंद है, और शायद पहली बार मैंने दस्तक दी है आप लोगों के मोबाइल पे. आज तक मैंने ऐसा किया नहीं. मैं अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे कहा, पूछा कि आप प्रमोशंस करते नहीं हो एंड ऑल दैट स्टफ, तो हाँ आपने पूछा तो मैंने रिप्लाई किसी और को दिया था कि आई डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइस एंड नॉइस. जहाँ पे आवाज़ सुनाई नहीं देती है वहाँ मैं नहीं होता हूँ. तो शोर के बीच में मैं अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करता हूँ. तो जाहिर सी बात है कि मैं ये सब कह रहा हूँ बिकॉज आई क्वाइट लाइक द प्रोजेक्ट एंड आई एम वेरी डियर टू मी. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी आपका निष्कर्ष हो इसके बारे में वो सोच समझ के दीजिएगा, वरना गोविंद जानते हो ना, थर्ड आई. आई जस्ट रिमेंबर द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टाइन, ही स्टेटेड टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर. सो आई थिंक वी हैव केप्ट दैट इन द मूवी एंड वी वांट टू
projected to the youth, how they are attached to the phones and how it is controlling them right now, how it is an extension of their personality. And this is how it started, the whole sort of control with the technology. And I think it's a very fresh movie. We have tried something very different. It's a visual and audio symphony, and I hope all of you will enjoy it. And I'm very happy with my director and the entire cast. They've done a phenomenal job. And I'm really lucky to be here in this moment. And we have delivered a baby. So it will grow and I think take the leap forward. I leave all to you guys. Thank you. Sure. A few words from Kirti as well. Any take from your side as well, please? Good evening. Very good evening. And thank you so much for being here. जो फिल्म के बारे में बातें थी वो तो डायरेक्टर से बेहतर और ये सब दिग्गज लोग बोल ही चुके हैं. जहाँ तक मेरी बात है, मैं आई थिंक आई जस्ट रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस जब वो आएंगे मेरे कैरेक्टर को लेके, फिल्म को लेके. सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट. थैंक यू. एंड हियर इज माय मैजिक विद मी, माय लिटिल वन मायरा. Great. So now we are open for questions, media. The cast is completely yours. We can take questions one by one. Yeah. Hello. Hi, sir. Here. Over here. Yes. Yeah. Hi, sir. I'm Bhavya from Book My Show. My question to you is, you've spoken of how the first mobile phone came in the year, and the year that still controls us. Another thing that still controls us is censorship. And we recently saw how from the famous, like the movie that's coming up, Urta Punjab, the word Punjab was taken off. And yours being a hardcore political thriller, what do you have to say about the whole censorship controversy? I don't like censorship, number one. Number two is that I don't understand the logic behind it. At the age of 18, I think you can vote, right? Yeah. So you can take the decision of electing a government at that age, which is a far greater decision than watching a film. Okay, so I don't know, I just don't know what's the logic behind this whole thing. Very well said. So it's foolish, according to me, and I think it should be done away with. If you want some kind of criteria, of course you can have ratings and you can have elementary stuff which can be stopped at the exhibition stage. For example, bachcho ko nahi dekhna hai to exhibitor ki zimmedari hai ki wo bachcho ko andar na de. Yeah. Because of that, you should not control a film. You see, you should not ban a film or anything in that film. So for me, it makes no sense. Censorship makes no sense. Does it rhyme? Yeah, it should be self-censorship. I think we should all know what to watch or not. And since control is just an illusion, we are living in that times. Yeah, I KK think Navneet will put us forward. Yeah, I completely agree with this idea that you know, authorities always felt that if they control us, we will somehow obey them. Unfortunately, it never works. It never worked in the emergency era, and it could not work today. People are not your slaves. We live in a free country. We are adults, and we have a right to live our life the way we want to live. We elect these people to power to basically do a job, not to control us. Their control of us is purely their own illusions. That's all I have to say. Soon we'll premiere movies on Netflix, I think, if the censorship goes on like that. Yeah, KK, just adding to it, has Sun 75 been given a certificate? Because we couldn't see it in the beginning of the promo. Usually we see. We've got a UA certificate, yes. Producer would know best. Okay, and also adding, because you've been part of films like Parch and Black Friday with Anurag, both the films had their struggle with the board. You think over the years it hasn't really evolved the way it should have been? Let me not comment further than what I said. I think I've put it all together. Kuch cheezein sudharti nahi hai hamare desh mein, kya karein? Okay, and yeah, since the movie is based on the emergency era, are you sort of anticipating any kind of trouble and any reactions from the people? Because it's a little tricky subject to tread on. I देखो यार ऐसा है ना, कुर्सी ऊंची है पर पैर जमीन पर है, तो मैं अब क्या बोलूँ तुमको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई अगर वो हाँ उस उनके बातों में कुछ तथ्य हैं तो बिल्कुल हम तो ऐसे नहीं कि हम सही है और आप गलत हैं.
बट तथ्य ऐसा हो जो जो दिमाग को इंसल्ट ना हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें वेलकम है। अगर वैसा नहीं है तो हमें अपना काम करने दीजिए भैया। Right. Plus, can I add to that? We haven't kept it very political, the movie. It's a thriller genre. And we have not named anyone. It's like very subtext. So, I think we've tried to not cross the line. So, I think that should work for us. ऐसा कुछ हम लोग ने जानबूझ करके sensationalize करने की कोशिश नहीं की है। आप जानते हैं कि एक period हुआ अपने हमारी history में है, which is called the emergency period. वो है तो है, आप उसको निकाल नहीं सकते आप। वो है, उसके अंदर हमने उस बैकड्रॉप को रख करके एक थ्रिलर का एक थ्रिलर फिल्म बनाई है जो देखने में बड़ा मजा आएगा। सो सिंस दिस इज अ आई मीन इट्स अ पीरियड फिल्म, व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन वेंट इनटू फ्रॉम योर साइड एज एन एक्टर टू मेक श्योर दैट द ऑथेंटिसिटी रिमेंस द सेम? बाल लंबे किए, कलमे बढ़ा दी। देखो यार, ये प्रश्न जो है ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव मामला है, क्योंकि हर एक्टर का अपना अपना तरीका होता है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और मेरा तरीका यह है कि आई वॉज एनी विच वे, बचपन से लेकर होमवर्क मेरा बड़ा ख़राब था, तो होमवर्क तो मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि आपका अगर प्रश्न होगा ना क्या होमवर्क किया आपने वगैरह वगैरह, वो नहीं है मेरे अंदर। तो उस वक्त जो चीज़ें मेरे को मुझे सोचता है मैं कर लेता हूँ। और दूसरी बात यह है कि ये जो एक्सटर्नल मामला है ना, ये बड़ा आसान है। अपने बाल बढ़ा दिए, कलमे बढ़ा दिए, बेल बॉटम पहन लिए, यू नो, बात है अंदर वाली बात की। सो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं इंसान को पेश करता हूँ, मैं रोल को पेश नहीं करता। मैं अक्सर एक बात कह चुका हूँ कि आई डोंट पोर्ट्रे अ रोल, आई पोर्ट्रे अ पर्सन। ओके, सो बिकॉज रोल्स आर फाइनाइट इन नेचर। आप गिन सकते हो टीचर, कॉप, लॉयर, जितने भी 25,000 होंगे रोल्स, तो मैं उसको निभाता नहीं हूँ, मैं उस इंसान को निभाता हूँ। तो अगर दो जगह पर मैं पुलिस वाला हूँ और एक का नाम महेश है और एक का नाम सुरेश है, तो मैं महेश और सुरेश को निभाता हूँ, पुलिस वाले को नहीं, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि गोविंद को निभाऊँ, ना कि एक बंदा जो पीरियड का बंदा है। सो और वो बहुत निर्भर करता है मेरे इंटरेक्शंस विद द डायरेक्टर, विद द स्क्रिप्ट राइटर, विद द स्क्रिप्ट। ये सब चीज़ें जो है सबलाइम होती हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो जितनी आपकी रिसेप्टिव पावर्स होंगी और जितने आप ढंग के कलाकार होंगे, उतना आप अच्छा पेश करोगे उसको। Hi, Asira from Asian Age. There are two other films also being made on the same subject. May I see you, ma'am? Thank you. There are two other films being made on the same subject. So what is it that attracted you guys towards this? It was an emergency, so we did it. And we didn't make the movie about the emergency, just we are in the emergency. So the thriller is happening, you know, the characters are getting manipulated, you know, with all the situation. Yeah, we not being preachy about emergency at all. And that's it, yeah. इस सवाल का मैं एक एक तोड़ देता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप हर शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछते होंगे कि एक फलाना लव स्टोरी है तो भी एक लव स्टोरी बना रहा है, एक थ्रिलर है तो वो। इसका तोड़ ये है कि
जितनी कहानियां होती है ना जिंदगी में वो सीमित है, उसका फॉर्मूला सीमित है। कहानी को पेश करने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक लव स्टोरी का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है कल्लू टू कालिया फॉर्मेट, मतलब जीरो टू हीरो फॉर्मेट। ये अलग अलग फॉर्मेट्स के कुछ गिने चुने 20-25 होंगे। अब बात इस बात अहमियत वाली बात ये है कि एक डायरेक्टर और एक कहानी बोलने वाला किस तरह से उस चीज़ को पेश करता है। वो चाहे वो 100 फिल्में बने एमरजेंसी के बैकड्रॉप पे या आज़ादी पे या किसी पे भी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ बीन पोर्ट्रेड एंड टोल्ड टू यू। सो दिस आर वे ऑफ टेलिंग यू द स्टोरी। Somebody else might have a different way of speaking, but doesn't mean both the plots and the everything is the same. Yeah. Hi, Navneet sir. I'm Sunil from Movie Talkies here. KK sir just told about his preparations as an actor for this movie and what preparations you did as a director for this 40 years ago. बहुत काम किया यार. Story. Can you hear me? Yep. Yeah. I'm often accused of this, that you know I'm very meticulous and I'm very I take my time in trying to you know do any particular thing. So yeah, I mean in terms of preparation, we wrote down the entire script. I wrote down backstories for each character, even if it was an extra. We storyboarded pretty much everything. I researched the era. I met various journalists. One person I'd like to thank in particular is Mr. Kuldeep Nair, jinhone bahut mere ko bataya apne us zamane. He's a very famous journalist. I'm sure you as a community are very familiar with him. Delhi mein hai wo is time pe and he's quite healthy and he's wonderful. To unhone mere sath almost nahi to 3-4 din bitaye aur apne emergency ke bare mein jo jitne kisse the wo hame unhone बताए। दूसरा एक और जर्नलिस्ट थे सुहेल हाशमी, जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया। सो आई काइंड ऑफ वांटेड टू गेट अ सेंस ऑफ कि जो हमारी रिसर्च में हमको पता लगा कि जब इमरजेंसी लगी थी तो कोई कुछ बोला नहीं। अब ये बात बहुत हैरानगी की है कि कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन ये बात सच नहीं हो सकती कि कोई कुछ बोला नहीं। कुछ तो लोग होंगे, वी नो दैट JP नारायण वॉज देयर, वी नो दैट देयर वॉज अ एंटायर काइंड ऑफ मूवमेंट इन द कंट्री। तो उसकी खबर छपी ही नहीं, उसकी बात सामने आई नहीं, लेकिन जब लोगों से बात की तो पता लगा कि वो आवाज़ें किस तरह से हिस्ट्री से मिटा दी गई हैं। सो आई थॉट दैट ब्रिंगिंग आउट समथिंग एज दिस ब्रिंगिंग आउट दिस टेंजेंट इन द स्टोरी कि कैसे किस आइडिया को वाइप कर दिया जाता है, तो वहाँ से जो आइडिया है सीक्रेट्स का, कॉन्स्पिरेसी का, वी स्टार्ट डिवेलपिंग इट फर्दर फ्रॉम देयर। तो अगेन बहुत सारे नुआंसेस होते हैं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। इन टर्म्स ऑफ माय वर्क विद माय एक्टर्स, मेरी मदर की पुरानी साड़ियाँ की फ़ोटो ले लेके मैं कीर्ति के साथ बैठता था कि ये उस टाइम पे इस तरह से ड्रेसअप होती थी। और छोटी छोटी बातें होती हैं, जिस तरह उस ज़माने में आईब्रोज जो थे औरतों के थोड़े से ज़्यादा थिक होते थे कंपेयर टू जो आज हम पतले पतले आईब्रोज देखते हैं। So this is another thing that we discussed and we went with that as a very slight sort of change in the character. So there were a lot of small nuances that we worked on and yeah, I mean it's a long process. It'll take me another 2 years to explain to you everything that I did in the last 2 years, but thank you for that question. Yeah. KK sir, you have also worked in like Masala movies also and also have given some superb performances in meaningful cinema. Masala mein superb nahi tha? Nahi sir, thing is bling alag थोड़ा सा और द काइंड ऑफ सिनेमा यू डू ऑल्सो मीनिंगफुल वन। सो वॉट यू एंजॉय डूइंग मोर एज एन एक्टर एंड वॉट मतलब रिजेंबल्स यू मोर एज अ पर्सनैलिटी? यार जहाँ एक्टिंग हो वहाँ मुझे सब कुछ पसंद होता है, ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली अभी मैंने एक इंटरव्यू दिया, मैं उसका ही उत्तर दे देता हूँ आपको, है ना, बेटर है। देखो क्या होता है ना, मेरे पास एक टैलेंट है कि अगर आप मुझे एक बक्से में डालोगे 2 महीने के लिए, मैं उसमें काम निभा के मैं निकल जाऊंगा वहाँ से और दूसरे बक्से में चले जाऊंगा। अब उस बक्से को अगर आपको पकड़ के रखना है तो आपकी आपका प्रॉब्लम है। तो चाहे वो सिंग इज ब्लिंग हो या चाहे वो ब्लैक फ्राइडे हो या कोई भी हो, अलग अलग बक्से हैं, वो मेरा काम है एज एन एक्टर निभाना, उसको मैं निभा लेता हूँ और फिर वहाँ से निकल लेता हूँ। तो मैं ये समझता नहीं हूँ, मेरे दिमाग में कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में भी ना हो तो बेहतर है, क्योंकि कलाकार का काम ही ये होता है। आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि आप, अरे आपने सुगम संगीत क्यों गाया, आप क्लासिकल गाते हैं,
अब छोड़ो यार. My question is that what you enjoy working on more? I enjoy acting, भैया. Okay. I don't mind. If you ask me reasons why I did Singing Sibling, okay, fine. I have such long hair, so I did it. So as simple as that. So I enjoy working. I enjoy working in different formats of films and all kinds of films. And that's the whole thing. Whether it's one day or a five-day test match or a T20, it doesn't matter. I enjoy playing. So as simple as that. अब ये मत कहना कि आपने T20 में क्यों किया. वो तो क्लासिकल नहीं है. अब यार वो रहने दो. कीर्ति, can you please share something about your character in the film? Me? हाँ. Essentially a rebel and a rebel. Fasadi. Fasadi. He's a rebel. Basically, he's a guy who understands the system and उसने घोट के पी ली है. जानता है कि अभी एक ही तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है. A very sharp human being, and Govind is a guy who knows what to do in a period like this and how to get his job done. And the job getting done might be unorthodox, might be not very pleasant, but he gets it done. And he's too sharp. He's in chess. He would be about 10 steps ahead of everybody. He's that kind of a man. Memories of the emergency, personal memories. Emergency, I was too small then. All I knew was that my parents through my parents, there as a kid you can sense fear, you can sense love, you can sense happiness very easily. So I, as a kid, yes, I did sense that element of fear in the atmosphere around. So if it was cold, it was slightly spine chilling. If it was hot, it was like burning the skin, kind of a feeling. Yeah. Hi, KK. Simrita from Filmikari. Talking about the kind of roles you do, you are a brilliant actor, and the way you're answering the questions, you have a very different and brilliant approach. Do you apply that approach while choosing your roles, or these kind of unusual roles, they choose you? Madam, I am like that only. I cannot analyze my own self. It's for you to do that. So if you ask me questions about myself and my, as Shakespeare has once said very famously, the eye sees not itself but by reflection. Okay, so I can't see my own eye. You have to tell me. So he's a Shiv's third eye. So questions about my persona, I have no idea. I'm like that only, as I said. But yeah, as far as choosing films are concerned, it's much like love. You don't know the reason as to why you fall in love, right? You don't measure the nose or measure the eyes, or you don't go about doing that. So something like that with every script that I read. When I read it, it sort of gets you into a bond with it, and I go in and do it. And sometimes I do it for a few hundred billion reasons, a few hundred thousand reasons. Sometimes I don't do it for that kind of reason as well. So yeah. Kirti, can you please share something about your character in the film? I just now did, ma'am. Kirti. Yeah, we have two KKs on the house. Check. Hello. I am playing this girl called Meena in the film. She's a middle-class girl of those times. So I'm sure aaj ke time se kaafi alag hoti hogi. In terms of the restrictions and the the opposite control. Of the control that she lives with was much more at those times, and she has had her past, a past which is not so pleasant, and like most of us, she's tried to run away from it and make something else of a future that she believes in, and she is desperate. She is brought out this side to her, which is
विच ऑल ऑफ अस हैव इन अस, लेकिन हम उसको यूज़ तभी करते हैं जब हमें डेस्परेशन होता है आज़ादी का, फ्रीडम का, सब कुछ तोड़ के छोड़ के भागने का. सो यू सी मीना इन द फिल्म इन दैट फेज ऑफ हर लाइफ वेयर शी डजंट गिव अ शिट अबाउट एनीबॉडी एंड नो बैड वर्ड, शी जस्ट वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस कंट्री. आई मीन गेट आउट ऑफ दिस कंट्री स्पेशली इन दोज टाइम्स वेयर I don't think it was so much about what was going on in the country at that time, the fact that it was emergency and stuff, but uski zindagi mein emergency lagi hui thi and she just had to get out of that. So you Meena is a very nice combination of this sweet innocent girl which with a side to her which is rebel. Which is she's a rebel, too. Yeah. No, the rebel who just wants to get out, no matter what, at no matter what cost. Yeah. We'll take one last question, please. it was wonderful. It's I mean, it was an honor. It was a pleasure. I think Mr. Bachchan. It's just you know when you meet him, when you work with him, you realize. He is what he is because of, you know, how he is. Like on the set, he is the most professional person around, the most comfortable actor to work with. He makes sure you are comfortable. He is there for you to give you cues, to rehearse with you no matter how many times it is. And all I can say is it's been a beautiful journey shooting for Pink with everyone and Mr. Bachchan around and yeah, I hope something really good comes out of that. Did you ever discuss this film with him? No, because during emergency, it was ruthlessly censored. So just yeah. Nahin, actually, unse is baat pe baat karne ka mauka nahi mila. I'm meeting him today for 3 ka screening, but I don't think I'll really talk about emergency and Sholay. Kirti, you come from a defense background. Hi, here, here. Hi, yeah. And I wanted to ask you, would you say that the representation of the armed forces is adequate in Indian cinema? What do you think about the representation of? Of Indian forces in the in cinema today. You know, I mean, the kind of films we make, unfortunately, I would say, there is a lot of cinematic liberty that is taken. And it's disappointing most of the times, I would say. I mean, I think Lakshya was one film where they tried to stay kind of very true to what defense is like. But most of the times, we mess up. Like, we don't pay attention to, you know, the details of the uniforms, the ranks, how they should be, what they should look like. So... Yeah, not very adequately and very happy about that. All right, so we are here to quickly take a group photograph. Let's have all the cast right here at the center. It's going to be easier for the media as well. Let's make it a little easy for them. So... For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.